मतलब पहला दर्शन तो हो गया हमारा। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग ओमकारेश्वर में हैं, पीछे नज़ारे देख लो समझ में आ रहा होगा। तो आज हमें जाना है उज्जैन के लिए, क्योंकि कल की हमारी भस्म आरती की बुकिंग है और हम लोग हो गए हैं रेडी और अब समय है इस रूम को चेकआउट करने का। तो चलो चलते हैं बस स्टैंड, हमें जाना है भाई बस और 6 आवर्स का टाइम लेने वाला है ये। तो बस हम लोग रूम से अब चेकआउट कर रहे हैं, चलते हैं बस स्टैंड और वहाँ पहुँच कर वीडियो करते हैं कंटिन्यू। गाइस यहाँ पर ये है ओमकारेश्वर बस स्टैंड, ये ओल्ड वाला बस स्टैंड है जो कि हमारे होटल से यानी जेपी ब्लॉक जेपी चौक से 700 मीटर की दूरी पर है। और नया वाला जो है, नया वाला बस स्टैंड 2 किलोमीटर बता तो रहे थे लोग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो भारत के किसी भी छोटे बड़े शहर से आपको उज्जैन स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ईजिली मिल जाएगी। उज्जैन स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से आप शेयरिंग ऑटो से बस 10 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर का अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इंदौर से उज्जैन आने के लिए आपको नॉन एसी बस, एसी बस और प्राइवेट कार की सुविधा मिल जाएगी। ओमकारेश्वर ओल्ड बस स्टैंड से हम लोग गए थे बस लेने के लिए, लेकिन हमें वहां जाकर पता चला कि वहां से डायरेक्ट उज्जैन जाने के लिए बस अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हमें ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड जाना पड़ा और हम लोगों ने ये बस को न्यू बस स्टैंड से ही लिया है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए बस स्टैंड उज्जैन में। यहाँ से मंदिर कुछ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये देख लो। और जैसे ही आए वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, क्या पता कि हम लोग हीरो क्षेत्र में अचानक से बहुत खतरनाक आंधी आ गई और बारिश भी होने लगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है भैया। तो फिर भी चलो जैकेट पहने हुए हैं, तो बिल्कुल एक पतली सी टी शर्ट लाओ बस, काफ़ी ठंडा लग रहा है यार। टाइम देखो 4 बजा है और मौसम ऐसा है। उज्जैन बस स्टैंड पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां से लिया है ये शेयरिंग ऑटो जो कि उज्जैन बस स्टैंड से हमें महाकाल रोड तक लेकर जाएगी। उज्जैन बस स्टैंड से महाकाल रोड का डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर। हमने इसके लिए 50 रुपीज़ पे किया फॉर 2 पर्सन। गाइस हम लोग फाइनली महाकालेश्वर पहुंच चुके हैं, पीछे वाले रास्ते में मंदिर है और अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे फिलहाल। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इन दिनों कि होटल मिल रहा है हमें। उज्जैन पहुंचने के बाद मेक श्योर कि आपको अपना होटल महाकाल रोड के पास ही लेना है ताकि आप जब दर्शन करने जाओगे तो बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में ही आप मंदिर पहुंच जाएंगे। अलग से कोई भी शेयरिंग ऑटो लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपना स्टे धर्मशाला में लेना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट से बना हुआ महाकाल भक्त निवास एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी धर्मशाला आपको मिल जाएंगे जिसका कॉस्ट आपको 300 से 400 पर डे का पड़ जाएगा। हाँ सो गाइस फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोग आ गए हैं एक रूम में। हमने ये रूम लिया वैसे 1000 में। और अभी मैं बताया ना कि 3 दिन का ये चल रहा है कुछ ओकेज़न है यहाँ पर, जिसके वजह से रश बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत हाई है। पर डे का कॉस्ट मतलब आज जो कॉस्ट है ना कल को वो चेंज होकर और बढ़ जाएगा, ऐसा है यहाँ पर। तो बस काफ़ी ढूंढना पड़ा हमें, लेकिन हमें हमारे बजट में मिल गया होटल। 1000 रुपीज़ में हमने ये होटल लिया है, ये देख लो छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा है। ये टीवी वगैरह दिया है, यहाँ सामने एक मिरर है, ये मेन डोर है और ये वॉशरूम इधर। और इतना ढूंढने की वजह से मैं पूरी तरह से हो गया गीला और हमारे लगेज भी गीले हो गए हैं काफ़ी।
और चलो फिर तब अभी पहले फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं, बाहर निकलेंगे, देखते हैं। दिखाता हूँ बाहर का रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वैसे हमने जो होटल लिया है ये मंदिर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर भी नहीं है प्रॉपरली, पीछे एक रास्ता है वहाँ से थोड़ी देर वॉक करने पे ही मंदिर है। तो होटल हमें काफ़ी पास में मिला, और एकदम पास में अगर लेना हो तब तो भाई 2000-3000 इस सीज़न में देने पड़ जाएंगे आपको। और यहाँ पे भी 1500 से नीचे कोई नहीं मान रहा था, एट लास्ट हमने नेगोशिएट किया और 1000 पे आया। तो चलो ठीक है, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. हम लोग निकल गए हैं बाहर और अभी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, और भीड़ कितना खतरनाक है देखना है। ये देखो गाइस, कमाल का क्राउड है गाइस। ये जो रोड दिख रहा है ना, ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं पहले भी आ चुका हूँ ना यहाँ भी, 4 साल पहले। काफ़ी डेवलप हो चुका है पहले से, काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। और फाइनली ये देखो मंदिर दिख गया हमें। इस वाले एरिया में काम, बैरिकेड इतना बड़े एरिया में। पास ही है ना। चलो ना, हाँ फाइनली पहुँच गए हम लोग महाकालेश्वर धाम, ज्योतिर्लिंग सॉरी। ये देखो गाइस, ये गेट हम लोग को यहीं से हम लोग लास्ट टाइम एंटर किए थे बस मारुति के लिए। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है बहुत। ये देखो कुछ VIP का सिस्टम हो गया यहाँ पे, 250 रुपये प्रति व्यक्ति। शीघ्र दर्शन काउंटर ये नया खुला है, ये पहले था नहीं भाई। 250 रुपये में ये VIP लाइन वगैरह का सिस्टम हो गया है। और अभी इन दिनों तो क्राउड भी है, क्या पता हमें लेना पड़ जाए, देखते हैं। जय माता। वो गाइस भारत माता मंदिर, और ठीक उसके बाद हम लोग अब एंटर करने जा रहे हैं महाकाल लोक, जो कि नया बना है, मतलब हार्डली 2 साल हुए हैं। वाह, बहुत कुछ और अभी भी बहुत कुछ बनना बाकी है, शायद वहाँ काम चल रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है, वो देखो लॉर्ड शिवा। मतलब इस तरफ अभी और भी बहुत कुछ बनना बाकी है, अभी इस तरफ और भी बड़ा बड़ा काफ़ी चीज़ बनना बाकी है अभी। यह हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति, खड़े हैं यहाँ से हम लोग आए हैं। ये रास्ता आता है मंदिर की तरफ, ये सामने मंदिर दिख रहा होगा। और ये लगातार महाकाल लोक में जो भी स्टैचूज बनी हुई हैं ये उस तरफ जाता है। चलो महाकाल लोक में घूमते हैं। अनएक्सपेक्टेड गज, इतना बड़ा है, मतलब इंसान का खत्म ही नहीं। सही में यार, पूरा लोक यहाँ पे बसा हुआ है धरती पर। मतलब गाइस, इवनिंग में अगर टाइम स्पेंड करना हो ना तो इससे बेस्ट प्लेस कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आराम से ये दो तीन घंटा आपका कवर कर लेगा, एकदम आराम से सारे स्टैचूज को देखते हुए चलोगे तो। लाइटिंग देख रहे हो, महाकाल लोक कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग जूता चप्पल देखने। तो महाकाल लोक घूमने के बाद हम लोगों ने बचे हुए समय में सोचा कि एक बार महाकाल बाबा को अंदर से देख कर हम तो फाइनली हम लोग अभी मुख्य द्वार पर खड़े हैं। ये रहा मुख्य द्वार, और आज भीड़ गाइस हद से ज्यादा है। देखो दरवाजे पे इतना भीड़ है और पीछे इतना। एक्चुअली गाइस आज संडे है ना, इसीलिए आज हद से ज्यादा भीड़ है। और वो कार्तिक मेला वाला भी तो मैं बताया था उस वजह से भी।
बारिश हो गई। चलो पहला दर्शन तो हो गया हमारा। अभी इतनी रात को कितना भीड़ है और कितना बारिश है। ये भीतर का तो गाइज इस ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको उज्जैन कैसे पहुँचना है। सो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।